चित्तौड़गढ़ में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो नीमच की टीम ने जिले के मंगलवार इलाके में एक बड़ी कार्रवाई की। मौके से करीब 3 करोड़ रुपए से अधिक की अफीम के साथ डोडा चूरा तथा नशीली गोलियां बरामद की। कार्रवाई के दौरान एक पुलिसकर्मी सहित 2 भाइयों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर 14 फरवरी की रात नीमच यूरो टीम द्वारा अंजाम दी गई। सूचना मिली थी कि मंगलवार थाना अंतर्गत चकतिया गांव में 4 भाइयों द्वारा बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही है। सूचना पुख्ता होने से देर रात टीम गांव में पहुंची और रामेश्वर उकार श्रीलाल और कालू पुत्र मोती अहिर के मकानों पर दबिश दी गई। अचानक इस कार्रवाई से तस्करों में खलबली मच गई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा चारों के घरों के साथ साथ उनके ढाबे और होस्टल्स की भी तलाशी ली गई। लगातार 2 दिन तक ब्यूरो टीम तलाशी अभियान में जुटी रही। इस कार्रवाई के दरमियान मकानों और ढाबों से 30 किलो 470 ग्राम अफीम, 795 किलोग्राम डोडा चूरा, 4 किलोग्राम संदिग्ध नशीली दवाइयां बरामद हुई। मुकेश से रामेश्वर और कालू अहिर के साथ भैरूलाल पुत्र शंकरलाल अहिर को गिरफ्तार किया गया। भैरूलाल पुलिस विभाग में कांस्टेबल है और इसकी भी भूमिका पाई गई। कांस्टेबल भैरूलाल आरोपी रामेश्वर लाल का साला बताया गया है। नारकोटिक्स ब्यूरो टीम ने आज आरोपियों को NDPS की विशेष कोर्ट में पेश किया। NCB के लोक अभियोजक नरेश दत्त शर्मा ने बताया कि मौके से बड़ी मात्रा में अफीम सहित मादक पदार्थ पकड़े गए थे। तीनों ही आरोपियों को NDPS कोर्ट द्वारा 5 दिन के रिमांड पर भेजा गया। आपको बता दें कि अफीम की बाजार कीमत करीब 1 लाख प्रति किलो और डोडा चूरा 5,000 प्रति किलोग्राम मानी जाती है। मौके से बड़ी संख्या में लग्जरी कारों सहित कई वाहन भी जब्त किए गए। क्या घटनाक्रम कैसे क्या रहा? केंद्रीय नारकोटिक्स आयुक्त नीमच द्वारा ग्राम चकतिया में अवैध अफीम की तस्करी की सूचना मिलने पर पूरी टीम ने दबिश दी है और ग्राम चकतिया में मोती अहिर के चारों लड़कों के निवास स्थान और उनके ढाबों से तलाशी ली गई और तलाशी में करीब 30 किलो अफीम और 787 किलो डोडा चूरा और करीब 4 किलो नशीली दवाइयाँ वहाँ से बरामद हुई और काफ़ी वाहन वहाँ से जब्त किए गए हैं। केंद्रीय नारकोटिक्स आयुक्त की टीम ने वहाँ रामेश्वर और भैरूलाल और एक और आरोपी को गिरफ्तार किया, जिन्हें आज विशिष्ट न्यायाधीश NDPS चित्तौड़गढ़ में पेश किया गया है और न्यायालय ने उन्हें विभागीय अभिरक्षा में 5 दिन का रिमांड स्वीकृत करते हुए दिनांक 23 फरवरी 2023 तक रिमांड पर सौंपा।